नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और ये है चैनल नंबर 9। हम लेकर हाजिर हैं साइंस का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 3 की। वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड एंड लर्न्ड अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पार्ट 2, तो इसमें क्या आज हम ये कंप्लीट करेंगे और क्या आज पढ़ेंगे ये देखते हैं, ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमारी एक्सपर्ट हैं, आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने के लिए आई हैं इन कंटिन्यूएशन, डॉक्टर प्रियंका वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की हम बात करें, हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, तो पहले हम रीकैप करेंगे एंड देन विल गो फॉर द पार्ट 3। Yes. नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बेहतर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बेहतर हैं और हमें रहना भी चाहिए जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने पिछली बार दो सेशंस हमने कर लिए हैं, पहला सेशन किया था फिर सेकंड किया था, आज हमारा थर्ड सेशन है जी। और ये जो हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसका आई थिंक ऑलमोस्ट आज हमारा जो कंटेंट का डिस्कशन है वो आई थिंक कंप्लीट होना चाहिए। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली फिर असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कि किस तरह से वो अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने इस टॉपिक के बारे में कितना सीख लिया है। तो आज मैं थोड़ा सा पहले तो ओवरव्यू दूंगी कि हमने क्या क्या किया था सेशन 1 में और 2 में, और फिर उसके बाद में आज का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। रीकैप, हाँ प्लीज। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं डिस्कशन शुरू करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने सेशंस में क्या क्या किया है। तो पिछले सेशंस में हमने कॉन्सेप्ट ऑन डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करी है, जहाँ पे हमने अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करी थी, रॉबर्ट हुक, लिविन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, स्लाइडन एंड शोन, वर्चो की बात करी थी कि उन्होंने किस तरह से इस फील्ड में अपना योगदान दिया है। इसके बाद हमने सेल के कॉन्सेप्ट की बात करी थी कि कोशिका क्या होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। और इसके बाद अलग अलग सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम, इन सब चीज़ों की हमने लास्ट 2 सेशंस में चर्चा करी थी। आज हमारे कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स हैं राहुल जी, जो रह गए थे पिछली बार, आज एक तो हम उनका डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी आज हम एक ब्रीफ कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन हम एक ब्रीफ में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ 3 सेल ऑर्गेनेल्स वर लेफ्ट इन द प्रीवियस डिस्कशन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्लास्टिड, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, एंड देन वैक्यूल आर लेफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट। सो राहुल जी, व्हेन वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, देर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू, मे बी इट विल बी अ गुड आइडिया टू यू नो फर्स्ट रेज द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू एड्रेस दीज की एस्पेक्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट स्टूडेंट्स नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। So the first question is that what is so unique about mitochondria and chloroplast? So you know, when students learn about cells, so mitochondria and chloroplast are something you know which are counted as one of the very important cell organelles. Of course, all the cell organelles are very important, but mitochondria and chloroplast are very very unique. So mitochondria, I would like to say students, it is a cell organelle which is present in all the cells, not the prokaryotic cell. I would say it is in the eukaryotic cell. It is present and in plant cell specifically chloroplast is there. So I'm sure you've been hearing this, that chloroplast is very very important, chlorophyll is very very important for photosynthesis and it helps the plants to make the food. So jab hum prakash sanshleshan ki baat karte hain wahan pe chlorophyll ki bahut charcha hoti hai, aur chlorophyll jo hota hai wo ek pigment hota hai jo ki chloroplast mein hota hai. To isiliye mitochondria aur chloroplast bahut important cell organelles hain, aur agar hum mitochondria ki baat kare aur chloroplast ki, wo unique bhi hain, wo isliye hain kyunki inke paas apna circular DNA hota hai. Otherwise अगर हम कोशिका में देखें तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनमें डीएनए होता है। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में है, एक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन इसके पास भी अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और इनके पास अपना राइबोसोम भी होता है जिसकी मदद से प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये इनको एक यूनिक प्लेस देता है कि क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी प्रोटीन ये खुद बना सकते हैं, राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, इसीलिए अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए इनका एक हम कह सकते हैं कि बहुत जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से जानना। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है राहुल जी कि ये इनको पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल।
Okay. So I would like to clarify here, students, that we really need to understand through a simple example, with the help of simple example. Like in the last class, I was talking about that nucleus is called as the brain of the cell, because it is one of the most important cell organelles. So that's why we say that it is controlling, it is managing the cell. That's why it is the brain of the cell. Hmm. Similarly, when we are saying that mitochondria is the powerhouse of the cell, it is very simply, very clearly, it is indicating that it is providing power to the cell. Hmm. So power means energy. Right. And from where this energy is coming? This energy comes with the help of ATP, that is adenosine triphosphate. So in our body, we need energy for everything. We are needing energy for talking. We need energy for walking. We need energy for thinking. So many chemicals, hormones and enzymes are being synthesized in our body. So everything is needing energy. Mm. And from where this energy is coming? This energy is coming in the form of ATP. And these ATPs are being synthesized by mitochondria. So that is why we say that mitochondria are the powerhouse of the cell. They provide us energy. Mm. All the cells in our body are getting their energy from the mitochondria in the form of ATP. One more question, students, which is usually, you know, it is around in the circle, we keep hearing that what is the energy currency of cell? So we say that ATP is the energy currency of cell. Why? Because currency, we know, Rahulji, that, you know, in daily life also, for example, if I buy, want to buy something, so I need money for that. In Indian context, this is rupee, Indian rupee. Yes. So we need money and we can go in the market, we can pay the money and we can get the thing that we need, maybe the food or cloth or anything else. So similarly, we have ATP in our body, we can spend the ATP. So if we spend the ATP, we will get our work done. For example, if I have come to NCRT today, I want to discuss this concept with students. So I need energy. I want to walk. I want to speak. Right. You know. Hmm. So from where this is coming? This is coming from ATP. So ATP is the energy currency. You spend ATP and you get the energy. That's why we say the energy currency of cell is ATP. Okay. So one more thing which is important, students, to know, you know, many times this is the question that is it always the case that mitochondria is only one in number in the cell, or there are many mitochondria also? So of course, Rahulji, as we are saying that this is the powerhouse of the cell. So it depends on the energy requirement. Okay. If the energy requirement is more, for example, in liver cells, so hamare yakrat, jisko hum Hindi mein kehte hain, liver cells jo hoti hain, unme energy ki kafi zarurat hoti hai. To wahan pe jo cells hain, unme ho sakta hai bahut sare mitochondria ho. Aise hi bahut sari cells ऐसी भी होंगी जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो. जैसे आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, हमारे ब्लड में जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन भी चाहिए होती है. लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन अपनी खर्च नहीं कर सकती, उसको तो लेके जाना है अलग अलग बॉडी पार्ट में, इसीलिए वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे अपने आप. आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और और उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आपकी लेट से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई है तो ऐसा नहीं है कि खाली यही है, इसके ऊपर भी बहुत सारी नॉलेज होती है. तो जब भी एक्सपर्ट्स आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, आपके लिए टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बातें रखते हैं और बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपको वो मिले. लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर भी अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें. बिल्कुल. सो ये सब चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. इसके अलावा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि ये दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है स्टूडेंट्स कि ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है. इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में. राउंड ये दिखता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका एक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो टू लेयर स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में एक गैप भी होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं. इंटर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है इनसाइड द मैट्रिक्स और उसको हम क्रिस्टी कहते हैं. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम पावर हाउस कह रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस होता है. वो ऐसे होता है इसमें, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें, ये बिगर डायग्राम मैंने इसमें लिया है यहाँ पे राहुल जी स्टूडेंट्स के लिए, तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक आउटर लेयर हमें दिख रही है सबसे बाहर, और इसमें एक इनर लेयर दिख रही है, और जो इनर लेयर है वो अंदर की साइड फोल्ड हो गई है, और वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर कुछ डॉट डॉट्स भी हैं जिनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं. साइड में अगर हम देखें, ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं, ये वो साइड होती है जहां पे एक फेज में
रेस्पिरेशन के, इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो पूरा जो हमारी एनर्जी बन रही है, जैसे कहा जाता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जाता है तो उससे 38 एटीपी बनते हैं, ये कहा जाता है. तो मतलब एक ग्लूकोज जो हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में वो हमें 38 एटीपी दे रहा है, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, जिससे हम सारे काम अपने कर पाएंगे. तो उसमें इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी, ज्यादा डिटेल में तो नहीं क्योंकि सिर्फ 9th क्लास है ये, लेकिन देखिए ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड लर्निंग दें, क्योंकि जब वो एक आइडिया यहाँ से लेंगे तो वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसको दो तरीके से माना जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. तो एक्सटर्नल को तो कहीं ना कहीं हम ब्रीदिंग के फॉर्म में कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं. लेकिन जब ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है लंग से, ब्लड से होते हुए सारी सेल्स में हमारे चला जाता है, तब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, तब ये ऑक्सीजन एक सेल के अंदर जाती है और वहां से ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाती है. तो वहां पे ग्लूकोज भी पहुंचता है डाइजेशन के थ्रू, हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, अभी अंदर चला गया, तो ग्लूकोज भी पहुंच गया है सेल के अंदर और ऑक्सीजन भी पहुंच गई है, और वहां पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. और वहां पे इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को स्टेज दिखाना चाहूंगी कि हम रेस्पिरेशन को 3 स्टेप्स में स्टूडेंट समझ सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल एंड ETC. तो जो ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारा एक ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में. बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, छोटी क्लास है, लेकिन स्टूडेंट्स को जरूर बताना चाहूंगी कि ग्लाइकोलिसिस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर क्रैब्स साइकिल होती है, वहां पे अगेन वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है जिसको हम ETC कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको कहते हैं, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन जो है उसके सर्फेस पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के. तो इस तरह से पूरे प्रोसेस में 38 ATP जनरेट होते हैं. तो आप ये देखिए, हम जितना भी फूड ले रहे हैं, जितना भी हम खा रहे हैं, हमारे लिए इनफ एक ग्लूकोज 38 ATP बन रहे हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए. अगर हम बहुत ज्यादा, कहा जाता है बहुत फैटी फूड ले लेते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, तो उससे इन प्रोपोर्शनेट हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा हमारी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज हमारे अंदर बॉडी में हो गया है. तो इतना ग्लूकोज अगर यूज नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से हो सकता है लॉन्ग रन में अगर आपका इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है हॉर्मोन, तो डायबिटीज की प्रॉब्लम जो आजकल हमें देखने को मिलती है, इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होते हैं वो फिर हमारे लिवर में जाके स्टोर होते हैं. तो फिर कई बार हम देखते हैं कि जब बहुत लोग इन, जिसको हम कह सकते हैं नॉन बैलेंस, हमारी इम्बैलेंस डाइट को अगर हम लॉन्ग टर्म तक खाते रहते हैं, जिसमें हम नहीं देख रहे हैं कि हम कितने कार्ब्स खा रहे हैं, कितने फैट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, तो फिर लॉन्ग रन में ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी भी एक प्रॉब्लम बन जाती है. तो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राहुल जी, आई वुड से टू माय स्टूडेंट्स दैट यू नो दिस एज ऑनवर्ड दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर एक्चुअली ऑल द थिंग्स दैट यू आर ईटिंग दैट इज गेटिंग रिड्यूस टू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज गोइंग टू योर सेल टू गिव यू एनर्जी. सो यू शुड ईट that much food which is required by the body, not beyond that, not above that, which is required in a balanced way so that you get all the nutrients. Okay. So this was the discussion of mitochondria for students. I would urge the students to please go and explore more about mitochondria. And students, I would also say that, you know, this is the question that I am leaving you with. This is said that mitochondria, all the children get mitochondria from their mother, from not from their father. Okay, so at the time of birth, why is it so that we are saying that we get mitochondria from our mother only, not father? So please explore, students. You should go and find out why it is said that children get, they get, most of the times I would say, because there are counter researches also, that's why I am using the general term, that most of the times we are getting mitochondria from our mother. Okay. And what is the reason? Is there any possibility that if there is some problem in the DNA of mitochondria, then some, you know, diseases might also happen in the children? So please explore about it. Now let's move about the discussion of another one of the most important cell organelles, that is plastid. So students, प्लास्टिड जो होते हैं, पहली बात तो हम ये समझें कि ये प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं, पादप कोशिका में ही मिलते हैं ये, और ये अगेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये साइटोप्लाज्म में होता है. और इसकी अगर हम बात करें कि ये कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो ये माना जाता है कि जो प्लास्टिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं प्राइमरीली, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं. तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब है, क्रोमो का मतलब है राहुल जी कलर,
तो इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टिड जो कि कलर्ड पिगमेंट रखते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है, तो वो ग्रीन कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट की कैटेगरी में आएगा। और क्योंकि वो क्लोरोफिल रखता है तो इसलिए हम उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, उनको भी प्लास्टिड कहा जाता है। उनका कलर थोड़ा व्हाइट है या आप कह सकते हैं थोड़े कलरलेस होते हैं वो, और उनका मेन काम होता है जो प्रोटीन है, स्टार्च है या फिर फैट है उसको स्टोर करना, स्टोरेज करना सेल में। तो इस तरह से प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और हम अगर क्लोरोप्लास्ट की स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स, जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में समझते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में समझते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूंगी कि इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि हम कहते रहे हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, पर इसको देखे कहां, ये होता कहां है? तो अगर आप कोई भी प्लांट है या कोई भी ट्री है उसका लीफ देखेंगे, तो उस लीफ को अगर हम ले लेते हैं और उसका एक थिन, हम कह सकते हैं उसका एक स्लाइड बनाते हैं, एक थिन स्लाइस बनाते हैं उसकी, और माइक्रोस्कोप के अंडर उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें पता चलेगा कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं, और ये मेसोफिल सेल्स जो होती हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, एक तरह का पिगमेंट है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है हमारी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लोकेशन क्या है और पोजीशन क्या है। अब अगर हम ध्यान से क्लोरोप्लास्ट को समझना चाहें कि भाई क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, तो किसी भी सेल में अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो ये अगेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें भी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और उन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। अब अंदर अगर हम जाके देखें तो इसमें भी मैट्रिक्स होता है जिसको हम फ्लूइड कह सकते हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। और इसके ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर कई सारे कॉइन्स रख दिए हैं, है ना, उनका स्टैक बना दिया उसकी, एक हमने एक उसका एक जिसको टावर कहते हैं, बच्चे भी कई बार खेल खेलते हैं, तो हम टावर की तरह लग रहा है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। हाँ बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका राहुल जी, बिल्कुल कनेक्टेड भी है, और ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स भी इसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये जो अगर हम इसको कॉइन्स इसकी एनालॉजी ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि थायलोकॉइड होते हैं जो एक के ऊपर एक लगे होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थायलोकॉइड, और ये एक के ऊपर एक लगे होते हैं, और जब ये पूरा एक टावर बना लेते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेनम। यहाँ पे डायग्राम में भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो थायलेकॉइड्स हैं वो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं और वो ग्रेनम बना रहे हैं, और ये जो अलग अलग ग्रेनम है जैसे कि आपने कहा कि ये कनेक्टेड हैं, तो जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, लैमेले के थ्रू, तो ये स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये पूरा जो साइट है राहुल जी, ये यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होना है, प्रकाश संश्लेषण होना है। इनफैक्ट क्योंकि नाइन्थ क्लास है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो पाएंगे कि जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी होती है। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में भी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है, तो वो भी किस तरह से होती है, वो दिन में है, रात में है, हर समय है, और उससे क्या क्या बन रहा है, इसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे तो काफी मजेदार चीज होती है जानना। क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि जितना भी खाना इस पृथ्वी पे आ रहा है, मैं भी खा रही हूँ, आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में बनता कैसे? अभी हम फ्रूट्स ले रहे हैं, हम वीट ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, तो प्लांट्स इसको बनाते कैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग है जानना। इसको हम कह सकते हैं प्रकृति का रहस्य है, और बहुत जरूरी है कि विज्ञान के थ्रू हम इसको जाने। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इसको हम यहाँ पे एक डायग्राम से ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो क्लोरोफिल है वो हमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो कोई भी प्लांट अगर होता है, आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो प्लांट होता है उसको, वो अगर सनलाइट है तो सनलाइट लेता है वहां से, और हमारी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल में होती है, मृदा के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है, और वहां से वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट, ये मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हमारी ब्रीदिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस ना ले पाए, हम जिंदा ना रह पाए, वो भी प्लांट्स बना रहे हैं इस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जो खाना हमें मिल रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, बिना खाने के भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनता है। तो इसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का और क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसके क्या फंक्शन है, प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, इसके क्या फंक्शन है। अब लास्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल को देखिए राहुल जी, हम बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें तो स्टूडेंट्स से मैं चाहूंगी कि यहाँ देखें कि मैंने दो डायग्राम यहाँ पे उनके लिए दिए हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। यहाँ पे एक बड़ा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमें प्लांट सेल में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना एक बड़ा सा रूम क्रिएट हो गया है व्हाइट कलर का। हाँ, तो इसको हम वैक्यूल कह रहे हैं, काफी बड़ा साइज होता है। तो प्लांट में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल शेप होता है, और ये काफी इसको कह सकते हैं टर्जिडिटी होती है, यानी कि क्योंकि सेल से भरा हुआ होता है वैक्यूल
में, तो ये काफी टाइट होता है उस तरह से, और ये टर्जिडिटी भी देता है सेल को। और अगर हम साइज की बात करें तो प्लांट सेल में ये काफी बड़े साइज का होता है जैसे कि हम देख सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल में भी होती हैं वैक्यूल्स, लेकिन वो छोटी छोटी होती हैं और उनका नंबर ज्यादा होता है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि भाई इनका काम क्या है, सेल में क्यों है ये, इनका काम स्टोरेज भी हो सकता है, टर्जिडिटी देना भी हो सकता है। स्टोरेज की बात करें तो जैसे कई सारे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनको भी स्टोर करना होता है सेल में, तो स्टोरेज का इनका काम हो सकता है, टर्जिडिटी का इनका काम हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इसका बहुत रोल होता है। जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें, तो अमीबा में, अमीबा जब फूड को लेता है, स्यूडोपोडिया उसके अंदर होते हैं, उसके थ्रू वो जाता है, फूड को ग्रैब करता है और अपनी बॉडी में अंदर ले लेता है, तो फूड वैक्यूल होती है जिसके अंदर वो फूड स्टोर होता है और वहां पे उस पर फर्दर प्रोसेस होता है, तो वो भी वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली अमीबा और ऐसे बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें अगर बॉडी में, यानी कि सेल में, उनकी बॉडी तो सेल ही हुई ना, सिंगल सेल है तो उनकी बॉडी तो सेल ही हो गई, तो उस सेल में अगर एक्स्ट्रा वाटर हो गया है, तो अब उस एक्स्ट्रा वाटर को कैसे बाहर करें, तो वो भी मैनेजमेंट होता है। तो वाटर वैक्यूल भी होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं अमीबा के केस में, तो वो एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर ले लेती है और फिर वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ती है और वहां पे जाके सेल मेम्ब्रेन खुल जाती है और एक्स्ट्रा वाटर को वो बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से देखिए, लास्ट टाइम आपको याद होगा आपके साथ ही मेरा सेशन था और हम इस चीज पे चर्चा भी कर रहे थे राहुल जी, कि किस तरह से अगर हम ड्यूटी देखें तो एक सिंगल सेल में भी इतनी सारी चीजें हो रही हैं। पानी ज्यादा हो गया उसको कैसे मैनेज करना है, फूड आ रहा है उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, रिप्रोडक्शन है तो उसको कैसे करना है। तो इसीलिए हम अगर एवोल्यूशन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल को समझना भी बहुत जरूरी है कि सेल में किस किस तरीके से चेंज आए और किस तरीके से हम एवोल्यूशन में आगे की तरफ बढ़े। तो इस तरह से वैक्यूल का रोल होता है। अब जो लास्ट टॉपिक है आज का राहुल जी, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा लेना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, हमने इसी के साथ में ये कहूंगी कि हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, इसके फंक्शन को पढ़ लिया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया। अब एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के बारे में, वो है सेल डिवीजन, यानी कि सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल कैसे मल्टीप्लाई करती है। क्योंकि राहुल जी, हम ये तो कह रहे हैं कि जो लाइफ होती है वो सेल से आती है, सेल इज द सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये लाइफ आगे बढ़ी कैसे, तो अगर हम जैसे हम ये भी बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अपने मदर के वूम्ब में जायगोट की फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद वो डिवाइड करता जाता है जायगोट, तो उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है, फिर धीरे धीरे 9 months के टाइम, अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें, तो 9 months के बाद में पूरा हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है जो कि बॉर्न होता है। तो वहां पे भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज आगे बढ़ रही है, एक सिंगल सेल जो है वो किस तरीके से डिवाइड होकर पूरी ह्यूमन बॉडी की फॉर्म ले लेती है। और जब हम पैदा होते हैं उसके बाद तो हमारी ग्रोथ हो रही है, फूड के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम देखें तो पूरी बॉडी होती है, आंख भी होती है, नाक भी होती है, हाथ भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो एक सेल से कैसे बना स्टूडेंट, बहुत सरप्राइजिंग चीज है लेकिन बहुत अमेजिंग भी है, क्योंकि ये सेल डिवीजन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो सेल डिवीजन को अगर हम देखें तो ये दो तरह से हो सकता है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि इसको, इनफैक्ट दो तरह से बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये हम कैसे कंसेप्चुलाइज करें सेल डिवीजन को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जरूरी है कि हमारी जो सेल होती है वो हमारी सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हम सबने पढ़ा हुआ है, और उस न्यूक्लियस के अंदर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें राहुल जी, तो हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी हर सेल में। अब देखिए, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी के अंदर है, और हर सेल में, हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास है। अब मेल और फीमेल का क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, समझिए, हमारे जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, जो कि सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो अलग होता है मेल में और फीमेल में। अगर हम फीमेल की बात करें, गर्ल चाइल्ड की बात करें, तो उसमें जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम सेम है, लेकिन जो मेल चाइल्ड है यानी कि जो बॉय चाइल्ड है उसमें एक्स और वाई होता है, तो उसके दोनों क्रोमोसोम अलग है, एक्स और वाई। तो ये समझना इसलिए भी जरूरी है राहुल जी, क्योंकि हम अपने समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं जो प्रेवलेंट हैं। जैसे कि अगर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, गर्ल फिटिसाइड की बात करें, जो कहीं ना कहीं एक, मैं यही कहूंगी कि काफी प्रॉब्लम है सोसाइटी में जिसको हमें खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो कन्या भ्रूण होता है उसको हम माँ के गर्भ में ही मार देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से लोगों को अवेयर करें, कि कई बार ये माना जाता है कि जो माँ है वही रिस्पॉन्सिबल है गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड
होगा या बॉय चाइल्ड होगी, पहली बात तो 50-50% ये प्रोबेबिलिटी होती है. और अगर हम डिसीजन फैक्टर की भी बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेल है उसका डिसीजन, अगर देखिए वैसे हम बात करें तो मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ये तो बाई चांस होता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा. लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो मेल का 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें एक्स और वाई होता है, लेकिन फीमेल का तो दोनों एक्स एक्स है. तो अगर मदर और फादर है और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहां पे, तो जो फादर है उसके पास में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि एक्स भी जा सकता है रिप्रोडक्शन के टाइम में और वाई भी जा सकता है, और लेकिन मदर का हर टाइम एक्स ही जाएगा. तो अगर फादर का एक्स और मदर का एक्स मिलता है तो एक्स एक्स होगा और डॉटर होगी, यानी कि द गर्ल चाइल्ड विल बी बॉर्न. और अगर फादर का वाई जाता है और मदर का एक्स जाता है तो फिर सन होगा. तो ये 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है जिसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. और दूसरी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट दोनों ही लिंग जो है वो बराबर है और दोनों का ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो समाज में बराबर है. तो अगर हम किसी भी तरह का ऐसी दुर्भावना या इस तरह की कोई भी मिसकॉन्सेप्शन में कहूंगी अगर हमारे आसपास है, तो हम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ हम किताबें ही पढ़ें, हमारा काम ये भी है कि हम अवेयरनेस लाएं और लोगों को समझाएं कि किस तरह से जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन है उनको हम दूर करें और दोनों ही लिंग के जो बालक हैं उनको हम समान प्यार दें. बिल्कुल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी समझें कि जो सेल डिवीजन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी देखिए हम मैंने अभी बताया कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं. तो अगर सेल डिवीजन ना हो, जैसे स्पर्म जो होता है वो फादर से आता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे और जो एग होता है वो मदर से आता है, तो अगर मान लीजिए एग सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते और स्पर्म में भी 46 क्रोम होते, तो जब उनका फर्टिलाइजेशन होता और जायगोट बनता तो 46+46 नंबर डबल हो जाता. तो जो बच्चा पैदा होता उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता और सिमिलरली ये तो आगे बढ़ता ही चला जाता. उससे क्या होता कि बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि हमारा डीएनए जो होता है वही तो हमारी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ गाइडेंस तो वहीं से मिल रहा है, हमारे डीएनए बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग कर रहा है. तो इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने क्या किया है कि एक तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल है तो जब स्पर्म बनता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है, 46 से 23 हो जाता है. सिमिलरली जब हम देखते हैं मदर का भी एग बनता है तो उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 से 23 हो जाते हैं. तो एग और स्पर्म जब आते हैं और फर्टिलाइज करते हैं तो 23+23 दोबारा मिलके 46 बन जाता है. सो नो, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी अगेन 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि 23 पेयर होंगे, एक नॉर्मल बच्चा होगा. यस, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमें कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर रहे हैं सेल डिवीजन के. वेरी क्विकली स्टूडेंट्स देखिए, सेल डिवीजन को अगर हम देखें, कोशिका विभाजन को, ये दो तरह से होता है, माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस होता है हमारी सोमेटिक सेल्स में, यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, यानी कि स्किन सेल है या फिर लेट से लिवर सेल है या फिर हमारी हेयर की सेल है, हेयर ग्रो कर रहे हैं, ये सब माइटोसिस हो रहा है. लेकिन जो सेक्स ऑर्गन है, यानी मेल में हो या फीमेल में हो, जो मैंने अभी अभी बताया, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, उसको हम मियोसिस कहते हैं. डॉक्टर वाशने, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, मुझे लग रहा है अब जब असेसमेंट होगा तब हमें ये आगे देखना होगा. नहीं नहीं, मैं आपसे ये कहूंगी आपका टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे सिर्फ दो ही डायग्राम है जो स्टूडेंट्स को देखने हैं और इससे वो समझ जाएंगे कि क्या है. ब्रीफली स्टूडेंट्स, माइटोसिस को आप देख सकते हैं, माइटोसिस जो सोमेटिक सेल्स में होता है वो अलग अलग स्टेजेस से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से दो सेल बन गई हैं और ये एग्जैक्टली सेम होती हैं अपनी मदर सेल से. अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे मियोसिस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा रह जाता है और लास्ट में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो मैं ये अर्ज करूंगी राहुल जी स्टूडेंट से कि माइटोसिस और मियोसिस को स्टूडेंट्स जाएं और थोड़ा आउट ऑफ इंटरेस्ट देखें. वैसे तो 9th क्लास है, इंट्रोड्यूस ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप जाएं और देखें कि माइटोसिस होता कैसे है और मियोसिस होता कैसे है. सो विद दिस आई वुड से राहुल जी, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड आई होप स्टूडेंट्स को चीजें समझ में आई होंगी. और ज्यादा तो तभी समझ में आएंगी स्टूडेंट्स जब आप जाके इसको दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे और जितने भी हमारे डायमेंशन हैं उनको ये आगे लेके जाएं. बिल्कुल, एंड आई थिंक जो हमारा इसके बाद असेसमेंट होगा तब हमें भी मालूम होगा कि क्या हमारे को रिस्पांस मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात उठाई है राहुल जी, मैं कहूंगी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स आप बिल्कुल तैयार रहिएगा. अगले सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी और बहुत सारे अलग अलग तरह से हम असेस करेंगे. तो क्योंकि अगर आप तैयार होकर आएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसके बाद एक बहुत बेहतर फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा हमारे सेशन का. डॉक्टर वाशने, आप यहां तक आए, आपने साइंस का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. हमारा ये साइंस का सेशन यही समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी देर में अगला सेशन लेकर जो कि है इंग्लिश का. देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल. नमस्कार.